और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की योजना बना रही है। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी उन 14 सीटों पर सबसे पहले अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी, जिन 14 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी और इसको लेकर बीजेपी ने बाकायदा एक रणनीति तैयार की है। वहीं दूसरी तरफ अगर गठबंधन की बात की जाए यानी इंडिया अलायंस की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया और इसमें अब एक और बीएसपी के दूसरे सांसद का नाम आ रहा है, वो सांसद है दानिश अली, यानी दानिश अली भी अब इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीट जा चुकी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कहां कहां से प्रत्याशी होंगे इसका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालांकि सूत्र यही बता रहे कि अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी। 3 स्तर पर सर्वे के बाद लिस्ट लगभग फाइनल है। यूपी में सबसे पहले 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जहां 2019 में बीजेपी की हार हुई थी। इसमें पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी और रामपुर है, जबकि अवध में रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती सीट पर पहली लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम होंगे। इसके अलावा पूर्वांचल में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर के प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट जीत ली थी। बीजेपी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव अलग अलग सियासी हालात में लड़े हैं। 2019 में उसके सामने कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं था, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ थी। अब हालात ऐसे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर खड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी को भरोसा है कि यह गठबंधन भी कुछ नहीं कर पाएगा। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक तरफ मोदी का भरोसा है तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक मंच पर पहुंचने वाली है। आगरा में अखिलेश और राहुल एक साथ दिखाई देंगे, मंच साझा करेंगे और डबल इंजन सरकार पर डबल प्रहार करेंगे। लेकिन उससे पहले पश्चिमी यूपी में कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के बीच बड़ा मैसेज देने वाली है। राहुल की ये यात्रा जब अमरोहा पहुंचेगी तो बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली कांग्रेस का हाथ थामेंगे। अभी देखिए अमरोहा में क्या होगा। कल अमरोहा है, अमरोहा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं 10 बजे, तो पहला संकेत आपको अमरोहा में मिलेगा। आप देखेंगे अमरोहा में पहला संकेत मिलेगा। ये वही दानिश अली हैं जिन्हें संसद के अंदर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपशब्द कहे थे। इसके बाद राहुल गांधी इनके घर पहुंचे थे, साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था। अब ये मानकर चलिए कि दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, बीएसपी के भीतर हलचल तेज हो गई। 2019 में बीएसपी के 10 सांसद जीते थे, लेकिन अधिकतर सांसदों को लेकर अब सस्पेंस है। अफजाल अंसारी पहले ही सपा के साथ जा चुके हैं, उन्हें गाजीपुर से प्रत्याशी भी बना दिया गया है। अब अमरोहा के सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे, कांग्रेस उन्हें अमरोहा से प्रत्याशी बनाएगी। बाकी के जो 8 सांसद हैं, उनके भी कहीं ना कहीं संपर्क में होने की बात कही जा रही। मेरी बात है, कांग्रेस में जाने का या कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं कुमारी बहन मायावती जी के साथ था, हूं, और बाकी लोग भी जितनी मेरी जानकारी है कोई कांग्रेस में नहीं जा रहा। हमारी पार्टी के लोग सब कांग्रेस को पहचानते हैं।
सियासत में इनकार कब करार में बदल जाए कोई नहीं जानता। बात सिर्फ बीएसपी सांसदों की नहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी है, जिनको लेकर न तो राहुल गांधी हमलावर हैं और न ही अखिलेश यादव। फिरोजाबाद में जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से मायावती पर सवाल पूछा तो बात को ही घुमा दिया। गठबंधन के अवनीश पांडे कहते हैं कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं, निर्णय मायावती को लेना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जो गठबंधन हो गया सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। बीजेपी से लड़ने के लिए अखिलेश यादव अपने गठबंधन को बड़ा बनाना चाहते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी की तरफ भी पासा फेंका जा रहा। पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इशारों इशारों में जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन में लौटने का प्रस्ताव दे दिया। ये भी लिखा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसको भूला कहेंगे या नहीं ये वक्त आने पर सपा बता देगी। ये सियासत है जहां दरवाजे बंद होते रहते हैं और खुलते रहते हैं। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि दरवाजे पर कोई खड़ा होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।